नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप जायसवाल। बायोलॉजी क्लासेस है मेरे ओम जायसवाल नाम से। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको मेरा थोड़ा सा परिचय देता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से बायोलॉजी के क्लासेस लेता हूँ, नीट और एनसीईआरटी में से 11वीं 12वीं के साइंस के क्लासेस। आज मैं अपना पहला वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। मित्रों, आज मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं, उम्मीद है आप सब उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। मैंने आज आपको सबसे पहले बताने के लिए जो टॉपिक चुना है वो है हमारे एनसीईआरटी बुक का 11th का टॉपिक, 7th नंबर का टॉपिक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के एक्चुअली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसके अंदर हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, और टॉपिक का सेकेंड पार्ट जो है जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, जैसे कि फ्रॉग है, अर्थवर्म है और कॉकरोच है। ये तीनों एनिमल का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों भी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सारी बातें हमको इसमें दिए वाली है। मगर मित्रों, हमें सिर्फ कॉकरोच ही हमारे नीट के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, कॉकरोच ही हमको करना है, फ्रॉग और अर्थवर्म उसको साइड बाय साइड रखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कॉकरोच पर ही हमें एनसीईआरटी बुक में से कॉकरोच पर ही क्वेश्चंस आएंगे हमारे नीट में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का पार्ट, कॉकरोच मॉर्फोलॉजी। एंड ऑल वी नो दैट व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी, जैसे कि हमको वो दिखता कैसे है एक्सटर्नली, बिना किसी माइक्रोस्कोप के और बिना किसी डिफेक्शन किए हुए वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नली कैसे दिखाई देता है, उसको बोलेंगे हम मॉर्फोलॉजी। नाउ यार, मॉर्फोलॉजिकली कॉकरोच कैसा दिखता है? ये सिंपली आप सभी के सामने, कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है, हम सभी ने देखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा एनिमल, चॉकलेटी एंड क्रंची आउटसाइड, क्रीमी एंड मिल्की इनसाइड, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा मजाक में कहता रहता हूं। पर दोस्तों, एक ऐसा एनिमल है जिसको हमने हर जगह देखा हुआ है। ये एनिमल एग्जैक्टली किस तरह से, इसके बॉडी पार्ट्स है, इसके अंदर क्या है, इसके बाहर स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डिटेल्स इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पर आपको मैं बताऊंगा कॉकरोच मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखता है। सी हियर, देखिए, कॉकरोच एक नॉक्टर्नल एनिमल है। यहाँ पे कुछ वर्ड है आपके एनसीईआरटी बुक के वर्ड है, ये सारे के सारे नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स जो कि सिर्फ रातों को निकलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम नॉक्टर्नल ऐसे बोलेंगे। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड ऑन एनी टाइप ऑफ फूड, लाइक दैट ऑफ कोई ये वेजिटेबल्स भी, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज वाले मटेरियल भी खा सकता है। इसको दुनिया में कहीं भी छोड़ दो आप, ये जी लेगा, इसको हर तरह का फूड सुटेबल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लकड़ी भी खा जाएगा टाइम आने पर, कागज खा जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये साबुन तक खाकर जी सकते हैं। इसीलिए दुनिया में कॉकरोच बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं। कई ऑर्गेनिज्म आए, कई स्पेसीज आई, खत्म हो गई, पर जनरेशन टू जनरेशन कॉकरोच टिके हुए है दुनिया में, उनको लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है इसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कॉकरोच का कलर, जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक मोस्टली जो हमारे नजरों में ज्यादातर हम देखते हैं। बट दुनिया के कुछ हिस्से, ट्रॉपिकल रीजन्स में कॉकरोच तीन अलग अलग कलर में भी पाए जाते हैं, लाइक दैट येलो, रेड एंड ग्रीन ऑल्सो। मीन्स ये तीन तरह के कलर अलग अलग जो हमको स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में दिखाई देंगे। आपको पक्का याद रखना है, एनसीईआरटी में ये दी हुई लाइन है आपके। उसके बाद इसकी साइज, जो कि एक एक आपको जो साइज दी है यहाँ पर, इट इज नॉट फिक्स साइज, कॉकरोच बहुत अलग अलग साइज के होते हैं, बट यहाँ पर आपके बुक की वैल्यू आपको याद रखना है 1/4 inches to 3 inches। अब आता है सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। सिस्टमेटिक पोजीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप जब स्टडी शुरू करते हो तो आपको उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे पहले देखनी होती है, कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिस्टमेटिक पोजीशन कॉकरोच की कहाँ है। कोई प्लांट पढ़ाई करते, कोई आपको इससे रिलेटेड टॉपिक भी है आपके 11th के बुक में, शुरुआती टॉपिक जो है, दो चार टॉपिक आपके सिलेबस में, वो सिर्फ सिस्टमेटिक पोजीशन किस तरह से डिसाइड की जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में आपको उन टॉपिक में मिलेगा। सो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले आता है यहां पर इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम ये सिर्फ एनिमल के लिए होता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मीन्स ज्वाइंटेड, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट्स,
पोडा मीन्स लेग्स, जॉइंटेड लेग्स इस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म के लेग्स में बहुत सारे ज्वाइंट 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 होते हैं तो उनको अर्थ्रोपोडा में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा मीन्स वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट ग्रुप में आते हैं, यहां पे हम क्लास इंसेक्टा में डालते हैं। उसके बाद इसका जीनस है पेरीप्लैनेटा एंड इसकी स्पेसीज है अमेरिकाना, इसको हम साइंटिफिक नेम है इसका, जैसे कि बायनोमियल्स में आपको पता ही होगा हर ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में दो टर्म आते हैं, जीनस एंड स्पेसीज, लाइक दिस इज अ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें कॉकरोच का, अब उसके बॉडी का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है इसके डिटेल्स हमको यहां देखना है। सो फ्रेंड्स, पहला कॉकरोच के बॉडी का सबसे पहला पार्ट है हेड। देखो इसकी पूरी बॉडी हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किए हैं, द हेड। सेकेंड पार्ट है इसका थोरैक्स रीजन, थोरैक्स इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज एन एब्डोमिन। लाइक दिस कॉकरोच बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन। ये तीन नाम आप पक्के अपने दिमाग में बैठा ले, बॉडी डिविजिबल इन टू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन। नाउ आफ्टर दैट, अब यहां से आगे जो कुछ भी आने वाला है, कॉकरोच के जो कुछ भी एक्सटर्नल पार्ट्स हम देखने वाले हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स इन्हीं तीन पार्ट्स में आएंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हेड पर क्या है, आप देख सकते हैं द पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, ये है कंपाउंड आईज। नॉट ओनली देयर आर सिंपल आईज भी एक होता है, हमारे जो आईज है ये सिंपल आईज है, कॉकरोच की आईज कंपाउंड आईज है। एग्जैक्टली कंपाउंड आईज क्या होते हैं इसके डिटेल्स हमें जल्दी ही देखना है, इसी टॉपिक में आगे आने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड पार्ट में। सो यहाँ पे कंपाउंड आईज आप ख्याल में रखिए इसको। उसके बाद आएगा यहाँ पे एंटेने, ये जो एंटेने होते हैं ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये भी एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, जो कि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं लैटरल व्यू ऑफ कॉकरोच, हम इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, कॉकरोच की ये लेफ्ट साइड है, इसलिए हमको एक ही आंख दिखेगी उसकी एंड ओनली सिंगल एंटेना। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा लेक्चर हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि सामान्य से सामान्य विद्यार्थियों के भी ध्यान में आ जाए। आफ्टर दैट थोरैक्स रीजन कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द थोरैक्स इज कॉल्ड प्रोथोरैक्स, आपको यह नाम याद रखना है, प्रोथोरैक्स इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द कॉकरोच, थोरैक्स रीजन। सेकेंड सेगमेंट इज कॉल्ड मीसोथोरैक्स, वाइल थर्ड सेगमेंट इज द मेटाथोरैक्स, लाइक दिस कंबाइंडली ये बन चुका है थोरैक्स। थोरैक्स के तीन सेगमेंट नाम याद रखिए, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। आफ्टर दैट हम बढ़ते हैं एब्डोमिन की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 10 सेगमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेगमेंट्स। ये जो 10 सेगमेंट है यहां पर, ये 10 सेगमेंट्स पूरे यहां से लेकर तो यहां तक एब्डोमिन रीजन में, ये 10 सेगमेंट्स को डॉर्सली, जो कि पीठ की तरफ से है, उसके पीठ की तरफ से जो सेगमेंट्स है इनको एक नाम है आपको याद रखना है, इज कॉल्ड टर्गाइट्स, इनको हम बोलेंगे टर्गाइट्स। वेंट्रली, कॉकरोच के वेंट्रली भी इसी तरह से तीन सेगमेंट थोरैक्स में है और बाकी के सारे सेगमेंट 10 सेगमेंट है वेंट्रल साइड में एब्डोमिन रीजन में एंड आर नोन एज स्टर्नाइट। आप ये दोनों नाम पक्के याद रख लीजिए, टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट, टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट, डॉर्सली टर्गाइट्स, वेंट्रली स्टर्नाइट एंड कॉकरोच कुछ इस तरह से बनता है, फ्लैट एनिमल है, टर्गाइट्स डॉर्सली, स्टर्नाइट वेंट्रली, इस तरह की सारा एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। मित्रों यहां पे ये दोनों को मिलाकर स्क्लेराइट्स ऐसा बोलेंगे, टर्गाइट्स प्लस स्क्लेराइट्स कंबाइन, सॉरी टर्गाइट्स प्लस स्टर्नाइट्स कंबाइनली कॉल्ड स्क्लेराइट्स। ये दोनों लेयर मीन्स जो डॉर्सल और वेंट्रल, ये दोनों को जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन यहां से यहां तक है, आप ध्यान से देखिए इधर, ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन विच कनेक्ट्स टर्गाइट्स विथ स्टर्नाइट, टर्गाइट्स और स्टर्नाइट आपस में जुड़ते हैं जिस मार्जिन पर, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, देखिए एक नया नाम फिर से आपके सामने आ रहा है, इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये नाम फिक्स कीजिए अपने माइंड में, देखिए आपके सामने बहुत लिस्ट बढ़ रही है, एक 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 लेबलिंग एड हो रहे हैं, ये सारे लेबलिंग्स आपको इस लेक्चर के दौरान जगह पर याद करने, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही बताता हूं कि जो कुछ भी आपके सामने आएगा उसको आपको हर टाइम यह दिमाग में बैठाना है कि जो भी मेरे सामने नया वर्ड आएगा मैं उसको विद इन फ्रैक्शन, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको तुरंत याद कर लूं।
कोई भी ऐसा पार्ट ना छूटे कि लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे वो समझ में तो आया पर मैं नेक्स्ट दिन वो भूल गया। दोस्तों आगे देखते हैं, यहां पे देखिए कॉकरोच एक्चुअली सिक्स पेयर ऑफ लेग्स है, सॉरी थ्री पेयर ऑफ लेग्स, टोटल सिक्स लेग्स है। ये सारे के सारे पैर हम अगर डॉर्सली देखते हैं, कॉकरोच कोई रेंग रहा है जमीन पे, अगर आप देखते हैं तो ये सारे लेग्स आपको उसके साइड में दिखेंगे, पर मित्रों कॉकरोच के सारे लेग्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ थोरैक्स रीजन में वेंट्रली अटैच्ड। थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स अटैच्ड विथ थ्री सेगमेंट्स ऑफ द थोरैक्स वेंट्रली। नाउ हियर फर्स्ट पेयर इज अटैच्ड विथ द फर्स्ट सेगमेंट प्रोथोरैक्स वेंट्रली, सेकंड सेगमेंट इज द मिसोथोरैक्स विच कैरी सेकंड पेयर ऑफ द लेग, एंड थर्ड पेयर ऑफ द लेग जो कि काफी बड़े होते हैं, जो कि पूरे बॉडी के लेंथ से भी थोड़े से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे तीनों भी पेयर आप देखेंगे तो यहां थोरैक्स रीजन में से ही इनका ओरिजिन है, कोई भी पेयर ऑफ लेग्स एब्डोमिन में से नहीं ओरिजिन होती है। इसके बाद आप यहां ध्यान दीजिए इस हिस्से पर, ये जो कॉकरोच का पोस्टीरियर रीजन है मित्रों, यहां पर इस जगह पे आप देख सकते हैं पेयर्ड ऐसे स्पाइन लाइक दो स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं मैं। देखिए ये जो दिख रहे हैं यहां पर, ये और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉकरोच के लिए, इनका नाम याद रखिए, ये है एनालसिसी। ये एनालसिसी जो होते हैं ये कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन है, मींस जैसे ही कॉकरोच जमीन पर रेंग रहा है, चल रहा है, तो उस टाइम एनालसिसी टचेस टू द ग्राउंड। इफ वी वॉक अराउंड इट और कोई वाइब्रेशन होते हैं, हम कॉकरोच के आसपास से मूव करते हैं तो जमीन के मामूली वाइब्रेशंस भी ये एनालसिसी कैच कर लेते हैं, एंड दैट एनिमल कैन इजीली ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सराउंडिंग, दैट इज द सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटेना। एंटेना आल्सो सेंसरी ऑर्गन, ऐसा सेंसरी ऑर्गन में आगे इसके बारे में थोड़ा सा आएगा दोस्तों। उसके बाद आगे देखना है हमें कॉकरोच के विंग्स के बारे में। देखिए कॉकरोच में फिर से याद कीजिए तीन थोरैसिक सेगमेंट है, द प्रोथोरैक्स, मिसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। फ्रॉम दीज थ्री ओनली टू पेयर टू सेगमेंट्स कैरी पेयर्स ऑफ विंग्स, जो कि थर्ड और सेकंड और थर्ड जो उसके थोरैसिक सेगमेंट है उन पर विंग्स होते हैं। पहला सेगमेंट जो है प्रोथोरैक्स, इस पर कोई भी विंग नहीं होता, इसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉकरोच के डॉर्सल साइड, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सेगमेंट आसानी से ऑब्जर्व कर सकेंगे आप इसको प्रोथोरैक्स को। सेकेंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट, ये दो सेगमेंट आपको नहीं दिखेंगे बिकॉज इनमें से एक्चुअली विंग ओरिजिनेट होते हैं। अभी मैं आपको विंग्स के एक पेयर के बारे में बता रहा हूं जो कि इस सेगमेंट से, जिसको हम थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स बोलेंगे, इस सेगमेंट से कॉकरोच के, देखिए फिर से आप याद रख लीजिए यहां पे तीन सेगमेंट जो थे मिसोथोरैक्स मेटाथोरैक्स। तो अब ये जो मेटाथोरैक्स है इसमें से एक विंग की पेयर निकलती है जो कि कॉकरोच के पूरे वेंट्रल साइड को कवर करती है। ये बहुत ही थीन होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, थीन है, और यही वो पेयर ऑफ विंग है जिसको हम हिंड विंग ऐसा बोलेंगे। और ये हिंड विंग्स जो होते हैं यही है जो फ्लाइट के काबिल है, मींस ओनली विद द हेल्प ऑफ हिंड विंग्स कॉकरोच कैन फ्लाई। ये रेयरली फ्लाइट करेगा, इज नॉट ऑलवेज, किसी इमरजेंसी कंडीशन पे कॉकरोच पे अगर कोई अटैक होता है ओनली एट दैट टाइम कॉकरोच कैन फ्लाई, अदरवाइज वो विंग्स का यूज नहीं करेगा। उसके बाद आता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये लास्ट वाले सेगमेंट मींस थर्ड थोरैसिक सेगमेंट से निकलते हैं हिंड विंग्स। अभी सेकंड जो सेगमेंट है थोरैक्स का, इसपे से भी जो विंग्स निकलते हैं वो डार्क होते हैं, काफी ब्राउन कलर के होते हैं, और यही वो विंग्स है जो कॉकरोच के डॉर्सल साइड को हार्डली सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये विंग्स किसी भी तरह से फ्लाइट में काम नहीं आएंगे दोस्तों। अभी हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये देखिए इसका नाम याद रखिए आप, टेगमिना। ये टेगमिना मीन्स उसके डार्क वाले ब्राउन वाले जो विंग्स है जो ऑपेक है, ऑपेक मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो ये विंग्स और ये कॉकरोच आपके सामने पूरी तरह से रेडी है। ये एक लैटरल व्यू है, या एनसीईआरटी बुक में आपके ये डायग्राम नहीं दिए, मगर ये समझने के लिए आपके सामने डायग्राम रखा हूं। चलिए आप आपके एनसीईआरटी बुक के डायग्राम को भी हम एक बार समझ लेते हैं, जो कि समझने में काफी आसान रहेगी अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ गई है। देखिए अभी एनसीईआरटी बुक की डायग्राम आपके सामने आ रही है, दिस इज द हेड रीजन ऑफ द कॉकरोच, उसपे से ये पेयर्ड एंटेने, कंपाउंड आइज, फिर ये थोरैक्स का पहला सेगमेंट,
जिस पर से निकला हुआ सेकंड सेकंड सेगमेंट, उसमें से निकला हुआ डार्क वाला विंग जिसको हम बोलते हैं टेगमीना। उसके बाद सेकंड सेगमेंट है, देखिए प्रोथोरैक्स है, मिसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। विंग्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, नॉट फ्रॉम प्रोथोरैक्स। ये तीनों मिला के थोरैक्स बनता है। आफ्टर दैट एब्डोमिन के 10 सेगमेंट्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 सेगमेंट हम डॉर्सली देख रहे हैं। ये एब्डोमिन पेयर ऑफ एनल सिर्सी जो कि सेंसरी है, पेयर ऑफ लेग्स, ये विंग्स खोल के दिखा हुआ एक तरफ का, क्योंकि ये विंग बाजू में हटाएंगे तो ही हमें उसके नीचे वाला विंग नजर आएगा, अदरवाइज आप इस साइड का दूसरा विंग जिसको हम हिंड विंग बोलते हैं वो आप नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स कवर्ड बाय दिस टेगमीना। नाउ सी हियर, यहां जो पॉइंट है आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, कॉकरोच की जो लेंथ है 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। उसके बाद मेल कॉकरोच के विंग्स जो होते हैं, यहाँ पे पॉइंट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमिन, एब्डोमिन जहां खत्म हो रहा है, अगर ये विंग्स इसके कवर कर ले पूरे बॉडी को, तो ये विंग्स इसके बॉडी से थोड़े से बाहर निकलेंगे, मेल एनिमल के सिर्फ, फीमेल में ऐसे नहीं होगा। हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जैसे कि आपको बताया हूं मैं, काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है जिसका कलर ब्राउन होता है, और ये एक्सोस्केलेटन जो है उसके डॉर्सल साइड के और वेंट्रल साइड के दोनों सेगमेंट्स मिला के हम इनको स्क्लेराइट्स कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं स्क्लेराइट्स दो तरह के, टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट। वेंट्रल साइड देखिए आप कॉकरोच की, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इसके मार्जिन से होती है दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से, लैटरल मार्जिन की तरफ से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, अभी कॉकरोच के हेड के बारे में हमें जानकारी लेना है। देखिए कॉकरोच का जो है, अभी अभी हमारे कॉकरोच में हमने हेड थोरैक्स और एब्डोमिन के बारे में जो भी देखा है, ये उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। अब हम एक एक के डिटेल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विथ रिलेटेड टू हेड रीजन। हेड ऑफ द कॉकरोच इज लाइक दिस, और हेड के बारे में डिटेल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके माउथ पार्ट देखेंगे, उसके डिटेल पार्ट देखेंगे। ओके, धन्यवाद मित्रों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा।